हेलो एवरीवन, माय नेम इज विपिन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आईएक्सएमबी। सो स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम पीवाईपी डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे जो 2021 के थे, आज की इस वीडियो में हम 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं सीजीएल के लिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, इफ ये ज्योमेट्री का हमारा क्वेश्चन है, तो ज्योमेट्री एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री का आपका काफी वेटेज रहता है, तो वहां से आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ज्योमेट्री, इफ पॉइंट ए बी सी आर ऑन अ सर्कल इन सच अ वे दैट कॉर्ड ए बी एंड ए सी सबस्टेंडेड एंगल 110 डिग्री एंड 130 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल, राइट। तो कॉर्ड क्या क्या है, ए बी और ए सी जो है सर्कल के सेंटर पे 110 डिग्री और 130 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल बीएसी, तो आपको एंगल बीएसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या इसके लिए हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्या हमारे पास ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन को छोटा करके और यहां पे आपके लिए एक सर्कल बनाता हूं और फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, राइट। सो एक सर्कल है हमारा, ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सर्कल है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, हम सीधा सर्कल बनाएंगे। तो ये हमारा एक सर्कल है, ये मैंने क्या बनाया, एक सर्कल मैंने ये बनाया, ठीक है, एक मैंने ये सर्कल बनाया। सर्कल थोड़ा हमारा यहां से हल्का सा सीधा होना चाहिए था, ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है जी, ये हमारा एक सर्कल है, थोड़ा ओवल की शेप का बन गया लेकिन हम क्या बोलेंगे, एक सर्कल है। अब यहाँ पे लेट से हमारा यहाँ पे इसके तीन पॉइंट उसने बताए हैं, एक पॉइंट हमारा ये है ए, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है बी, और सपोज एक पॉइंट हमारा यहाँ पे सी, तीन पॉइंट हमारे ए बी सी हमारे तीन पॉइंट है। अब वो क्या कह रहा है, आर ऑन अ सर्कल इन सच अ वे दैट कॉर्ड ए बी, तो कॉर्ड ए बी, तो कॉर्ड हमारी कौन सी होगी, कॉर्ड को हम इस कलर से बनाते हैं, ये वाली हमारी कॉर्ड ए बी, ये हमारी ए बी कॉर्ड है, ये हमारी ए बी कॉर्ड है, और दूसरी कॉर्ड है हमारी ए सी, एक कॉर्ड हमारी कौन सी वाली है, एक कॉर्ड है हमारी ए सी, तो भाई दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड ए बी एक कॉर्ड ए सी, राइट, तो दो हमारी ये कॉर्ड हो गई। अब वो क्या कह रहा है कि ये दोनों कॉर्ड जो ए बी कॉर्ड है वो सेंटर पर, ये सर्कल का सेंटर है, लेट से ये सर्कल का क्या है, ये सर्कल का सेंटर है ओ, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है, सर्कल का सेंटर है ओ, तो जो ए बी कॉर्ड है वो सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बनाती है, वो सेंटर पे जो है हमारा सेंटर पे ये वाला कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ये बनाती है हमारा 110 डिग्री का, ए बी 110 डिग्री का, तो ए बी हमारा कितने डिग्री का बनाती है, 110 डिग्री का बनाती है, राइट। और ये जो ए सी हमारी कॉर्ड है, ए सी हमारी कॉर्ड है, कौन सी कॉर्ड है हमारी, ए सी, ये ए सी कॉर्ड कितने का एंगल का बनाती है यहाँ पे, तो आपका जो होगा ये जो ए सी कॉर्ड है, ये ना ए सी कॉर्ड, ये वाली ए सी कॉर्ड, तो यहाँ पे ये 130 डिग्री का बनाती है, इसका मतलब ये वाला एंगल हमारा कितने डिग्री है, तो आपका जवाब होगा भाई ये वाली कॉर्ड ना, ये वाली देखो, ये एसी कॉर्ड ये वाली है, ये वाली, तो ये एक सेंटर पे इस पे यहाँ पे 130 डिग्री का कोण बना रही है, तो 110 ये है, तो ये बचा वाला कितना, तो आपको जो होगा 20 डिग्री, जो रिमेनिंग एंगल होगा वो हमारा 20 डिग्री होगा। अब आप मुझे एक बात यहाँ पे बताओ, आपने एक बात मुझे यहाँ पे बतानी है, अगर मैं इसको यहां से मिला देता हूं, मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको यहां से मिला दिया, मैंने क्या करा, मैंने इसको यहां से सीधी लाइन, इस लाइन थोड़ा टेढ़ी हो रही है लेकिन मैंने एक सीधी लाइन खींच ली, मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया, ठीक है जी। तो अब आपको बताना है एंगल बीएसी का मान, आपको एंगल क्या बताना है, बीएसी मतलब आपको ये वाला कोण बताना है, आपको ये वाला कोण बताना है, ये वाला इस बीएसी मतलब ये वाला कोण। अच्छा मुझे ये बात बताओ, अगर ये जो ए बी कॉर्ड है हमारी, ये वाली कॉर्ड अगर ये सेंटर पे 110 डिग्री का बनानी है, तो सर्कमफेरेंस पे कितने का बनाएगी, तो आपका जो होगा ये ए बी कॉर्ड, तो इस पे यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे आधा एंगल बनता है, आप जानते हैं, अगर ये वाली कॉर्ड यहाँ पे 110 डिग्री बना रही है, तो सर्कमफेरेंस पे भी, चाहे यहाँ की बात करें या कहीं पे भी, सर्कमफेरेंस पे इसका आधा कोण बनाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 55 डिग्री बनाएगी भाई, कितना बनाएगी, 55 डिग्री बनाएगी, ये आपको मालूम है। अब अगर मैं इस कॉर्ड की बात करूं, ये जो हमारी एसी कॉर्ड है, ये यहाँ पे 65 डिग्री बना रही थी, यहाँ पे कितनी डिग्री बना रही थी, 130 डिग्री, ये ना एसी कॉर्ड, ये वाली एसी कॉर्ड हमारी कौन सी वाली है, आपका जवाब होगा सर एसी कॉर्ड आपकी ये वाली है, ये हमारी एसी कॉर्ड है, ये है ना हमारी एसी कॉर्ड ये वाली, तो ये इस सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बना रही है, 130 डिग्री का, तो ये सर्कमफेरेंस पे कितने का बनाएगी, तो इसी कॉर्ड की हेल्प से हम देखेंगे, तो ये वाली जो हमारी यहाँ पे जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, तो आपका जो होगा इसका आधा, तो इसका आधा मतलब यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपका जो होगा 65 डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा हमारा, 65 डिग्री का। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर ये हमारा ट्राइंगल, हम इस ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल
ए बी सी अगर हम ट्राइंगल को देखें तो ये बी वाला कोण आपका 65 डिग्री है, ये वाला आपका 65 डिग्री है, ये वाला आपका 55 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, 5 और 5 10 6 6 12 और 1 13 है ना, 5 और 5 10 1 7 और 5 12 सॉरी 120 हो गया ये। यहाँ पे थोड़ा हमने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया, ये हो जाएगा हमारा 120, कितना हो जाएगा ये 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। ठीक है जी, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो दो कोणों का अगर हमें 120 डिग्री मिल गए तो लास्ट वाला जो हमारा रिमेनिंग एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, तो आप जानते हैं वो जो एंगल होगा हमारा वो होगा हमारा 60 डिग्री का, कितने डिग्री का होगा, वो होगा हमारा 60 डिग्री का, क्योंकि 120 आपके पास है, तीनों का सम आप जानते हैं, तीनों का सम कितना होता है, तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा 180 माइनस 120 60 डिग्री, तो एंगल ए हमारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और उसने हमसे एंगल में क्या पूछा है, बी ए सी कोण उसने हमसे पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था ये, बस इसमें क्या प्रॉपर्टी हमने यूज करी, प्रॉपर्टी हमने ये इसमें यूज करी कि अगर ये हमारा एक कॉर्ड है और ये सेंटर पे एक थीटा एंगल बना रही है, सेंटर पे ये 2 थीटा एंगल बना रही है, ये सेंटर है, तो ये सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी इसी कॉर्ड द्वारा सर्कमफ्रेंस पे भी इसका आधा एंगल बनाएगी थीटा, चाहे यहाँ पे बने या कहीं पे भी बने, ये इसका आधा कोण बनाएगी। तो अगर इधर 2 थीटा है केंद्र पे, सेंटर पे अगर 2 थीटा है, तो सर्कमफ्रेंस पे कहाँ क्या होगा, उसका हाफ एंगल होगा, उसका क्या होगा, हाफ होगा, यही कंसेप्ट हमने इसमें यूज करा है, तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, 60 डिग्री हमारा इसका राइट आंसर आ गया। तो ये चीज भी यहाँ पे आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री का हमारा क्वेश्चन था, सर्कल से हमारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आपका एलजेब्रा का है, ये कह रहा है कि इफ एक्स वाई जेड आर 3 इंटीजर्स सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 13 एंड जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो देखिए इसमें तीन इक्वेशन है, एक इक्वेशन हमारी ये वाली है ना, एक इक्वेशन हमारी ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली, तीन इक्वेशन हमारी इसमें, और वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल भी इसमें तीन है, एक्स वाई और जेड, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, तो हम अपने हिसाब से कुछ भी पुट नहीं कर सकते हैं, तो जब कुछ भी पुट नहीं कर सकते तो हमें इसे प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रॉपर सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा इसमें देखने पे, अगर हम इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर सॉल्व करने पे मैं थोड़ा यहाँ पे इसको छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे इसको ये हमारा छोटा हो गया, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे, अब मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ आपने वो सोचना है, देखो कुछ नहीं करना, तीन इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, y प्लस जेड इज इक्वल टू 13 और इन तीनों को आप जोड़ दो, तो तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तीन इक्वेशन दिख रही है यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, y प्लस जेड इज इक्वल टू 13 और z प्लस एक्स इज इक्वल टू 17। तो आप क्या करो, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये इक्वेशन 3 है, तो तीनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो। तो भाई जब आप तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 और 8 21 और 17, 21 और 10 31 और 7 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 38। अब आप क्या करो, यहां से x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना होगा, तो आपका जवाब होगा x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू होगा हमारा 19, होगा कि नहीं होगा 19। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। अब देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें x की वैल्यू भी चाहिए और yz की वैल्यू भी चाहिए, तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहां से आप yz की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, yz का वैल्यू कितना है यहां पे, 13, तो हमने जब यहां पे 13 पुट करा, 13 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 13 और 6 19 हो जाएगा ये, सॉरी यहां पे हमारा ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 6। अब y की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, तो y की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें x और z का वैल्यू चाहिए, तो x और z का वैल्यू कितना है, x और z का वैल्यू 17 है, तो यहां से जब आप देखेंगे तो y का वैल्यू आपका हो जाएगा 2, यहां पे 17 रखेंगे, 17 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सेम आपको z का वैल्यू बताना है, तो z का वैल्यू कितना होगा, अगर हमें z चाहिए तो x और y को भगाना पड़ेगा, तो x और y की वैल्यू 8, तो 8 यहां पे पुट करेंगे तो हमारा z का वैल्यू आ जाएगा 11, z का वैल्यू कितना आ जाएगा, z का वैल्यू आ जाएगा हमारा 11। तो बस क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म, अब वैल्यू पुट कर दो सारी, अब क्या करो वैल्यू पुट करो, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है x स्क्वायर अपॉन वाई जेड, हमसे पूछा है ये, तो x का वैल्यू कितना है 6, तो 6 स्क्वायर 36 और y का वैल्यू हमारा 2 × 11, तो 2 से कट जाएगा 18 टाइम्स और 18/11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, इतना मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपने डायरेक्ट देखना था कि इन तीनों का सम कितना होगा, 13 8 21 17 38, फिर यहाँ पे अगर 8 रखेंगे तो z की वैल्यू मिल जाएगी 2 11, और यहाँ पे अगर 13 रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 6,
यहाँ पे अगर 17 रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 2, तो डायरेक्ट बस आपको वैल्यू मिल गई थी 6 2 11। अब 6 2 11 को आप यहाँ पे पुट करते तो आपका आंसर आ जाता कितना, 18/11। तो ये भी एक अलजेब्रा का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो ये हमारा कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ये हमारा एक ट्राइंगल है, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है जी, ये मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये हमारा ट्राइंगल है कोई ए बी सी, ठीक है भाई। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, मतलब वर्टेक्स है, ये हमारे वर्टेक्स है। अब हमसे क्या कह रहा है वो कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो डी जो है बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है जी, और ई ए बी का मध्य बिंदु है, ई ए बी, ई बी जो है, ई जो है हमारा वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो आपसे पूछ रहा है वो कि बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का एरिया, तो ये मतलब मिलाना चाह रहा है इससे, इससे मिलाना चाह रहा है। तो इसका मतलब आपने, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब दो साइड के मिड पॉइंट को हम मिला देते हैं, जब हम दो साइड के मिड पॉइंट को मिला देते हैं तो ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ये बेसिकली इसमें सिमिलरिटी का ये क्वेश्चन है। अगर हम इस छोटे ट्राइंगल जो बी ई डी है को इसमें पॉइंट, ये ई हमारा मिड पॉइंट है और ये डी हमारा मिड पॉइंट है, तो हमारा क्या हो जाता है कि बी ई डी इज सिमिलर टू बी ए सी, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। और सिमिलरिटी की कंडीशन में आप जानते हैं कि अगर इसका एरिया एक है, इसका एरिया एक है, तो आप जानते हैं कि इसका एरिया, क्योंकि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, अगर आप देखेंगे अगर इसकी साइड एक है, इसकी साइड कितनी है एक, क्योंकि मिड पॉइंट है तो जिधर जिधर जितना इधर होगा उतना इधर होगा, एक एक होगा। तो ए बी कितना है, तो सबसे पहले हम ए डी ले लें, ए ए हमारा कितना है एक, और ए बी की अगर मैं बात करूं तो आपका जवाब ए बी पूरा कितना है, ए बी है दो। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो एरिया का अनुपात होगा, एरिया ऑफ बी डी है ना, एरिया ऑफ बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो क्या होगा, वो होगा ये रिप्रेजेंट करता है एरिया को, ये होगा हमारा 1/2 का होल स्क्वायर, जो उनकी साइड होता है, साइड के रेशियो का स्क्वायर हमारा क्या होता है, उनके एरिया का रेशियो होता है, साइड के स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो उनके एरिया का रेशियो हो गया। तो आप जानेंगे यहाँ पे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1/4, कितना आपको देखने को मिलेगा 1/4। और आपको यहाँ पे ये भी गिवन है कि जो बड़ा वाला ट्राइंगल है हमारा एबीसी उसका एरिया है 44। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा यहाँ पे कि 4 का वैल्यू आपका 44 है, 4 का वैल्यू कितना है 44। तो हमारा, हमसे पूछा क्या है BD, तो BD हमारा 1 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 11, और 11 इस सवाल का सही आंसर है, 11 ही क्वेश्चन का मोस्ट एप्रोप्रिएट राइट आंसर है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि ये चीज हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर किसी भी ट्राइंगल में किन्हीं उसके दो मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, किसी भी ट्राइंगल में उसके साइड के दो मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, तो वो दोनों ट्राइंगल कौन कौन से, ये जो ऊपर बनेगा ये वाला ट्राइंगल और एक ही जो बड़ा ट्राइंगल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, जिसे आप थेल्स थ्योरम कहते हैं, थेल्स थ्योरम पढ़ा आपने, थेल्स थ्योरम कहते हैं इसे। तो ये थेल्स थ्योरम को फॉलो करेंगे, किसको फॉलो करेंगे, थेल्स थ्योरम को फॉलो करेंगे, थेल्स थ्योरम ये सिमिलरिटी के लिए बेसिकली हमारी होती है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ नहीं करना हमें, इसको स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, या आप थीटा की वैल्यू 45 रख के देख लो, तो जो भी आपको ऐड लगेगा स्क्वायर करके अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 cos स्क्वायर a प्लस 25 sin स्क्वायर a, जानते होंगे आप फॉर्मूला, प्लस 2 ऑफ ab, तो 40 sin a cos a, sin a cos a, ये किसका करा मैंने स्क्वायर, ये करा मैंने x का स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। अच्छा अब मैं अगर y का स्क्वायर करूं तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा सर 16 साइन स्क्वायर ए, अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ इस वाले टर्म का, साइन स्क्वायर ए प्लस 25 कॉस स्क्वायर ए, और आप जानते हैं ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी, तो ट्वाइस ऑफ ए बी का मतलब 40 ऑफ साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो आपका जवाब सर ये कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे, ये हो जाएगा हमारा इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 में कॉमन ले लेता हूँ तो 16 दोनों में है, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से 25 कॉमन ले लेता हूँ, तो 25 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अब मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो यहां पे आप जब वैल्यू इस पॉइंट को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा हमारा 25 गुणा एक। 16 प्लस 25 हमारा कितना आ गया, तो 16 प्लस 25 हमारा आ गया 41। सो द 41 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर, ये हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। तो इसमें हमने किसका यूज करा, इसमें हमने इसका यूज करा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक ट्रिग्नोमेट्री का, इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, राइट। अगला क्वेश्चन देखें अगर हम, तो ये क्या है, ये हमारा कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक दर पर 4300 रुपए कितने हो जाते हैं, 4800 दो साल में, है ना। तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा भाई, कितना ब्याज मिल रहा है, 544 रुपए ब्याज मिल रहा है दो साल में। तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो एक साल में मिलेगा हमारा 250 और 22 272 ब्याज मिलेगा, एक साल में 272 ब्याज मिलेगा। तो 272 हमें ब्याज मिल रहा है, तो कह रहे हैं कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाएगी, है ना। इसका मतलब हमें रेट निकालनी पड़ेगी, तो रेट की क्या हो जाएगी हमारी, रेट हो जाएगी हमारी 272 और प्रिंसिपल हमारा कितना है 24, ये हो जाएगा और यहां से ये 20, तो 20 से ये कटेगा पक्का, 7 बार कटेगा ये, 4 7 28 2 7 4 6 है ना, कटेगा ये पूरा पूरा किसी चीज से, ये कैंसिल होगा तो हमारी यहाँ से रेट आ जाएगी। या आप ऐसे भी इसे ना करके अगर देखें, यहाँ से इसे अगर और शॉर्ट हम बनाने की कोशिश करें, तो इसको हम देखें कैसे करेंगे, प्रिंस फॉर्मूला आप जानते ही हैं, तो फॉर्मूले से अगर ना भी सोचें आप, तो 4300 आपका प्रिंसिपल है, 2 वर्ष आपका टाइम है, रेट आपको निकालनी है अपॉन 100, और आपका ब्याज कितना मिल रहा है आपको 4300 + 5 = 4800, है ना, यही है 4300 है और 4500 है, तो 48 इसका मतलब 544 आपको इंटरेस्ट मिल रही है। तो 20 से 20 कैंसिल, अब इससे ये कटेगा, इससे तो मेरे को लग नहीं रहा ये कटेगा भाई, नहीं कैंसिल होगा ना ये, तो ये पॉइंट में ही आएगा कुछ डाटा मेरे हिसाब से, पॉइंट में ही आएगा ये। तो यहाँ पे जाके आप इसे आर का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, आर का वैल्यू है ना, ये हो जाएगा हमारा 544 को फिर हमें 43 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 43 से कैंसिल हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारी आर की वैल्यू आएगी, और अगर हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके लिए टास्क है कैंसिल, आप कैलकुलेशन करके आर का वैल्यू निकाल के आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें ये प्रिंसिपल ये अमाउंट बनाना है। तो प्रिंसिपल आप कुछ भी ले, जैसे आपने पी ले लिया प्रिंसिपल, तो यहाँ पे इधर क्या आ जाएगा, ये 10104 माइनस पी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, तो पी इंटू आपकी रेट यहां से आ जाएगी, टाइम आपका क्या हो जाएगा, टाइम आपका 5 साल हो जाएगा, और यहां से आप 100, इसको आप कैलकुलेट करके पी का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको आप कैलकुलेट करके किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेट करके आप पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने समझने हैं अगर आपको अच्छे तरीके से एग्जाम में परफॉर्म करना है। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के कुछ एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन देखे, ये बाद में बहुत हल्का क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसको आप करके देख लेना और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना क्या आंसर निकल के आपका आता है। तो आगे की और वीडियो में भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री एलजेब्रा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें सूटेबल लगेगा आपके अकॉर्डिंग भी जो आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा उसको लेके हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आप इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि जिन बच्चों का भी एग्जाम है उनको इस वीडियो के थ्रू हेल्प हो सके, राइट। चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें, आप लोगों का सहयोग ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो आप लोगों का हमें जरूर आप अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें जो है इंकरेज होगा हमें, और हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेके आ पाएंगे, राइट। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ भी अगर आपका डाउट होता है तो इस पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।